Hello everyone, my name is Kushal Singh and welcome to your session on an academy. So, class चालू करने से पहले हम एक बार इंश्योर्स कर लें जो हमारा वीडियो है वो प्रॉपरली लाइव जा चुका है वो एक बार देख लेते हैं. Yes, we have properly gone live. Hello and welcome guys. तो आज का session जो है is more of an interactive example session जहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ law of thoughts क्या होता है, हाउ टू अंडरस्टैंड इट, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं इनके बारे में मैं आज के सेशन में आप लोगों से बात करने वाला हूँ. बट बिफोर वी कैन स्टार्ट विद दैट, आई विल आस्क ऑल ऑफ यू टू लाइक दिस वीडियो, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन, ताकि क्या व्हेनेवर एनी ऑफ अस फैकल्टीज कम लाइव यू कैन नो अबाउट इट. एंड जितने भी लिंक्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं. That is, if you haven't yet downloaded the application Unacademy app, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो मैं आपको बता दूँ कि जो Unacademy की क्लासेस हैं वो सिर्फ पेड ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको क्लासेस अवेलेबल हैं. जो स्पेशल क्लासेस होती हैं उनके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. लिंक मैंने नीचे दे दिया है, क्लिक ऑन दैट लिंक, डाउनलोड दी ऐप, यूज़ माई कोड कुशाल लाइव, KUSHAL LIVE, ये मेरा कोड है, तो ये वाला कोड यूज़ कर लो एंड आप जो है सारी क्लासेस और जितने भी कंटेंट है, फ्री कंटेंट, फ्री टेस्ट्स, वो सब ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा. तो ये डेफिनेटली आप लोग करें. एंड साथ ही साथ मैं आपको कुछ बैचेस के बारे में भी बताने वाला हूँ, बट पहले उन लोगों को हेलो कर लूँ जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है. वीरकेश्वर, वेलकम टू द सेशन. सिद्धि अग्रवाल, वेलकम टू द सेशन. रिशिता, गुड मॉर्निंग, हाउ आर ऑल ऑफ यू डूइंग, कैसे हैं सब लोग? Yes. कैसे हैं सब लोग? कौन कौन सा एग्जाम आप लोग लिख रहे हैं उसके बारे में मुझे बताएं. क्लैट 21, क्लैट 22, 23, विच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? डू लेट मी नो दैट इन द चैट डाउन बिलो. एंड शुरू करते हैं आज के सेशन से. आज का टॉपिक है व्हाट इज टॉट, अंडरस्टैंडिंग टॉट इन अ सिंपल एंड एन ईजी मैनर. Clat 22, okay. Moksh is for Clat 2022. तो thought क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. But before that, let me also tell you about this great batch that is starting for 2021. जो Clat 2021 का preparation कर रहे हैं आप लोग के लिए एक score booster batch है, जहाँ पे सिर्फ National Law University के faculties, जो खुद NLU alumni हैं, वो faculties आपको पढ़ाने वाले हैं for 60 days, helping you to improve your score for Clat examination. लिंक नीचे दी गई है, कोड मेरा आपको पता है कुशाल लाइव, यूज़ करो वो कोड एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन एट द अर्लीस्ट, बिकॉज दिस वन बैच इज रियली रियली यूजफुल फॉर क्लैट 2022. मेरा खुद का एक बैच चालू हो चुका है इनफैक्ट क्लैट 2022 का, और भी नए बैचेस आने वाले हैं, तो वो भी चेकआउट करें जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टॉपिक्स दैट नीड टू बी लर्न, हाउ टू लर्न फॉर एग्जाम, टेस्ट प्रिपरेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करवाई जाएगी इस वाले बैच में. ये भी चेकआउट करें, लिंक्स जैसा कि मैंने बोला सारे नीचे दिए हुए हैं आपको. चलो अब करते हैं बात हमारे टॉपिक की. और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं अनअकैडमी पर, बट पहले टॉपिक चालू कर लेते हैं. टॉपिक के बीच में मैं आपको ये ऑफर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता रहूँगा. ओके, सो व्हाट आर टॉट्स? टॉट जो वर्ड है, टॉर्टम, ठीक है, टॉर्टम जो वर्ड है वो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड wrong, wrong act, कोई गलत act, उसे हम tort या tortum कहते हैं, किसी language की word से आता है. तो अभी ये tort होता क्या है, and why do we have, मतलब ये क्या है, ये 5-6 law हो गए, tort of law अलग हो गया, criminal law अलग हो गया, ये अलग क्यों है, इनके पीछे अलग होने का कारण क्या है, वो हम आज थोड़ा explore करने वाले हैं. तो इसकी history थोड़ी इस हिसाब से चालू होती है कि कुछ क्लैंस, कुछ जर्मैनिक क्लैंस जो थे, कुछ बहुत पुराने जो किंगडम्स थे, बहुत पुराने जो यू नो फ्रॉम वॉट एवर क्लूज ऑफ एन एंशंट हिस्ट्री एंड एंशंट लीगल सिस्टम दैट वी हैव बीन एबल टू गैदर इन आवर सोसाइटी, वन ऑफ सच लॉस या वन ऑफ सच ट्रेडिशंस रादर, लॉ तो आप कह नहीं सकते, इतना डेवलप नहीं था उस टाइम पर, बट एक तरह से वो लॉ ही था. तो वहाँ पे जो है ये ट्रेडिशन था कि भाई जब कोई व्यक्ति किसी के साथ कुछ गलत करता है,
then there was some amount of what do you say, when anybody did wrong by someone intentionally, unintentionally, they had this custom of giving that person some money or some cattle or things like that. कि भाई हमारी वजह से अगर आपका ये loss हुआ है तो हम उस loss की भरपाई आपको कर रहे हैं depending on the situation and scenario. And this used to be decided by the king or this used to be decided by the clansman, the head of the clan. And जब कोई ऐसी गलती करता था जो सोसाइटी या पूरे क्लैन पूरे कबीले के, सो थिंक ऑफ दिस एज मोर ऑफ लाइक अ क्लैन, ठीक है, जर्मैनिक क्लैंस, जर्मैनिक ट्राइब्स की, जब भी कोई इस तरह से गलती करता था दैट वॉज इन सच अ नेचर अगेंस्ट द होल क्लैन कि भाई उसने ऐसा कुछ किया जो पूरे क्लैन को अफेक्ट कर गया, तो वो पैसे भरता था क्लैन के हेड को, जो क्लैन के क्या कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता था. एंड वेन समबडी स्पेसिफिकली was hurt due to somebody's act, one person individually, तो वहाँ पे वो उस प्रत्येक व्यक्ति को, whoever was hurt due to this person act, they would just go and give, this person would be ordered to give some money or something of that sort to them. तो ये जो concept है ये develop होता गया and over the years, later on, much later, when Britain became a powerful nation and they went around ruling the world, these concepts of law of tort started becoming even more important in the modern society now, or rather modern in the medieval times. अभी medieval times में और उसके बाद वाले जो times हैं उसमें law of tort ने और भी ज़्यादा shape ले लिया, correct? और भी ज़्यादा वहाँ पे essence आ गए उस law of tort में. कैसे आया essence? In the sense that जैसे जैसे cities build होनी चालू हुई तो ऐसा होने लगा कि किसी के एक्ट की वजह से किसी और को डैमेज होने लग गया. और पुराने ज़माने में लॉ ऑफ टॉट को बढ़ावा देने में या लॉ ऑफ टॉट को डेवलप करने में, दिस अराउंड रोम एंड ऑल दीज प्लेसेस, इसमें लॉ ऑफ टॉट का जो रोल था वो वहाँ पे फायर ब्रेकआउट होने का, यानी जब आग लगती थी, इसका बड़ा रोल था इन डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉट. अब आप पूछोगे कि ये फायर का लॉ ऑफ टॉट से क्या लेना देना है, फायर का लॉ ऑफ टॉट से ये लेना देना है कि उस जमाने में ये फायर्स बड़ी ब्रेकआउट होती, वुड से घर बनते थे एंड फायर बड़ी ब्रेकआउट होती थी, तो ऑफन ये होता था कि अगर किसी बिल्डिंग में फायर लगी है तो उसके आजू बाजू वाले जो टाइमिंग्स हैं या उसके आजू बाजू वाले जो बिल्डिंग्स हैं, उसके आजू बाजू वाले जो लोग हैं, वहाँ पर उनको डैमेज होता था बिकॉज समबडी एल्सेस एक्ट. So here then people started saying that yeah, he should have been careful about handling that fire. And this was even more important because back then there was no fire force. You have to understand that if one building catches fire and the next catches fire, then the whole city is on fire in some time. It was an extremely difficult task. People had to fill water in buckets and go and throw water, and it was just an overall very difficult thing to do. So around that time, again, the whole concept of, hey, because of you, I have got certain damage. That concept, when people started living in cities, no? कि किसी ने थोड़ा कुछ किया तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ होगा ही होगा. तो जैसे जैसे लोग और cities form होती गई, इस तरह से law of tort भी develop होता गया side by side. This is a little bit of history about law of tort. Somebody has asked me a question, sir, Janvi has asked, sir, is there any specific time for your class every day on YouTube? Yes, Janvi, इस वीक से मेरी क्लासेस जो है रोज 11 बजे होंगी सुबह, एवरी डे 11 o'clock मॉर्निंग आई विल बी लाइव एंड आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू द स्पेशल क्लास टाइमिंग्स फॉर अनअकैडमी एज वेल. आई टीच स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, वो टाइमिंग्स भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ. सुया So now we were talking about how the history of, so up until now सबको clear है किस तरह से, ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मैंने आपको बहुत ज़्यादा simplify करके बोला, इतना simple नहीं है, but एक आपको idea देने के लिए कहाँ से ये चीज़ develop हुई होगी कि कभी किसी के act की वजह से किसी और को अगर तकलीफ होती है, तो that's the whole central idea of tort. So now like I was saying, a tort is a wrongful act. Not wrongful enough to be called crime. अब मैं आपको modern explanation दे रहा हूँ जो आज हम understanding है आज की society की law of tort की, especially in India, उसके बारे में अब मैं आपको बता रहा हूँ.
सो जब आप लॉ ऑफ टॉट के बारे में बात करते हो, व्हेन आई विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ टॉट्स, व्हाट वी से देयर, इट इज अ रॉन्गफुल एक्ट व्हिच इज नॉट अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज नॉट ऑल्सो अ क्राइम. सो वी नो दैट क्राइम इज एन एक्ट व्हिच इज अगेंस्ट अ सोसाइटी इन जनरल, इवन दो इट हैज अ स्पेसिफिक विक्टिम, इट्स एन एक्ट अगेंस्ट अ सोसाइटी. हियर टॉट इज एन एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन. व्हेन एनी पर्सन हैज बीन हार्म ड्यू टू अ रॉन्ग एक्ट्स, अभी रॉन्ग एक्ट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको डिफाइन करूंगा, बट आपके किसी रॉन्ग एक्ट की वजह से किसी को कुछ लॉस हुआ एंड वो सोसाइटल लॉस नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो आप कचरा बाजू वाले के घर पे हमेशा फेंक देते हो, ठीक है, या फिर आपकी पार्किंग में कोई बंदा हमेशा आके गाड़ी पार्क करके चला जबकि वो आपकी पार्किंग है. हेलो मनीष, वेलकम टू सेशन, गुड मॉर्निंग. आपकी पार्किंग में कोई बंदा आके हमेशा 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 गाड़ी पार्क करके चला जाता है, आपके घर के सामने कोई, आपके घर के गेट के सामने कोई व्यक्ति हमेशा कार पार्क कर देते हैं, यू इट जस्ट कॉसेस यू अ लॉट ऑफ, कि उसको बुलाओ, गाड़ी हटवाओ, अपनी गाड़ी निकालो, ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस हैज टू हैपन. सो इट इज दीज थिंग्स, इट इज एक्ट्स लाइक दिस विच आर नॉट क्रिमिनल इन नेचर येट कॉज अ डैमेज टू अनदर पर्सन, दैट इज नोन एज टॉट. मैं चल के जा रहा था, आपके घर पे फेंसिंग है, फेंसिंग आपने मेंटेन नहीं की जिसकी वजह से फेंसिंग नीचे आई हुई है वॉकिंग लेवल पे, मैंने देखा नहीं एंड वो फेंसिंग लग के मेरे सर पे कट गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू मेंटेन दैट, आप नेग्लिजेंट है इन हैंडलिंग दैट. तो दिस इज हाउ लॉ ऑफ टॉर्ट डेवलप्स और दिस इज व्हाट अ टॉर्शियस एक्ट बेसिकली इज. तो हम टॉर्शियस एक्ट को अगर आप लेते हो तो उसे आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, है ना. यहाँ तक प्लीज लेट मी नो एवरीबडी हु इज जस्ट बीन लिसनिंग टू मी टॉकिंग, इफ एवरीथिंग इज क्लियर अप अंटिल नाउ, यहाँ तक कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया है, अगर क्लियर हो गया है तो फिर मैं आपको आगे का बताऊँ कि टॉट क्या होता है, क्या हिस्ट्री है एंड बेसिकली टॉट क्या है. इट इज़ अ रॉन्गफुल एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन जिसकी वजह से कुछ इंडिविजुअल को डैमेज होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं होता, ना ही ये क्रिमिनल लॉ के अंडर आता है. यहाँ तक क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है क्लियरली. परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया. अच्छा, बीच में मैं आपको एक और बात ये भी याद दिला दूं गाइस कि वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले एंड ऑल्सो बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि क्या व्हेनेवर आई कम लाइव आपको पता चल जाएगा क्योंकि खुशहाल सर इज लाइव नाउ. ठीक है गाइस, तो ये ज़रा डेफिनेटली करें आप लोग एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जल्दी जल्दी करें. एंड ये भी बताया मुझे चैट में, प्लीज कीप इट गोइंग इन द चैट, यहाँ तक तो क्लियर है तो मैं आगे का बताने वाला हूँ आपको. चैट में ये बताया किस किसने अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, कौन कौन अभी तक सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखे हैं किस किसने अनअकैडमी के, वो मुझे ज़रा बताएं बिकॉज आई हैव अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल फॉर दोज पीपल हु हैव ओनली वॉच्ड अनअकैडमी यूट्यूब वीडियोज. तो ज़रा कमेंट करें और बताएं मुझे नीचे. भाई मैंने जो है सिर्फ YouTube वाले वीडियोस देखे हैं, मैंने अभी तक अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया है, तो अगर ऐसे कोई हैं तो ज़रूर बताएं मुझे चैट में नीचे. ओके, सो कंटिन्यूइंग आवर पॉइंट कि टॉट इज एन एक्ट विच इज रॉन्गफुल एंड विच कॉजेज हार्म टू अनदर पर्सन. तो अभी से आप दो तरीके से देख सकते हो कि टॉट, वो यू डाउनलोडेड इट यस्टरडे ओनली, एक्सेलेंट मंशा, बहुत ही बढ़िया. डेफिनेटली मेरी स्पेशल क्लासेस चेकआउट करें, आई कीप गोइंग लाइव एवरी नाउ एंड देन, सो डेफिनेटली चेकआउट माई लाइव क्लास एज वेल. मैं और भी डिटेल्स लेके आप लोगों के साथ आता रहूँगा अबाउट यू नो टाइमिंग्स एंड क्लास टाइमिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट. ओ शिवम, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एज इन कंटेंट वाइज शिवम आपको सारी क्लासेस अटेंड करने मिलेंगी, ठीक है. एंड अनअकैडमी जो फ्री क्लासेस हैं वो बहुत लिमिटेड है, यहाँ पे लंबी क्लासेस होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होगा आपका लेक्चर सेशंस, आपके पास डिटेल्ड एनालिसिस, 4000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का एक्सेस. तो ये सारे जो एडवांटेजेस हैं ये आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में ज़रूर मिलेंगे. एंड आपको सारे चैनल, सारे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सबका एक्सेस दिया जाएगा, तो आप अपने हिसाब से जब पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, वीडियोस रिकॉर्डेड रहेंगे. सो एक्सेस
कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने पे, एंड लाइक आई सेड 4,000 से प्लस क्वेश्चंस आपके पास होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट होंगे जहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है क्या नहीं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. तो ये सारे बड़े एडवांटेजेस हैं अनअकैडमी के. एंड ऑल्सो वन अदर एडवांटेजेस की घर पे बैठ के अपनी सहूलियत से पढ़ लो, एंड ऑलमोस्ट 1/4 द कॉस्ट ऑफ योर इंस्टीट्यूट फीस. सो ये सारे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं अनअकैडमी पे. ऑल्सो द फैक्ट दैट इंडिया टॉप फैकल्टीज टीच ऑन अनअकैडमी, सो यस दैट इज, काफ़ी सारे NLU के पास आउट्स, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं. सो होप आई हैव आंसर्ड योर डाउट शिवम. या तो अब टॉट होता कैसे है, टॉट के एलिमेंट्स क्या है. करेक्ट, आपने कहा कि सिविल कोर्ट में आपको कंपनसेशन मिलता है. कंपनसेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पे मिलता है, यहाँ पे आपको और कुछ मिलता है, बताता हूँ वो क्या है. सो टॉट के अंदर दो चीज़ें आती है, या तो फिर दो चीज़ हो सकती है, या तो फिर आपने एक टॉर्शियस एक्ट किया है, ऐसी कोई आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से किसी को कुछ लॉस झेलना पड़ा. जैसे आपने आपने रोड पे, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने रोड पे काम किया एंड आपने मैन होल फिल करना भूल गए, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति चलते चलते उसके अंदर गिर गया. अब आपका इंटेंशन तो नहीं था बट आपकी ड्यूटी थी वो. सो देर वॉज अ लीगल ड्यूटी दैट यू हैड विच यू ब्रीच. सो व्हेनेवर बेसिकली इट अराइजेस फ्रॉम दैट, कि आपकी कोई लीगल ड्यूटी थी. अब आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो एंड आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है, आपने किसी को टक्कर मार दी, ठीक है, आपने किसी को टक्कर मार दी. अब यहाँ पे मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आपका क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट के लिए क्या चाहिए, इंटेंशन, वो आप में था नहीं. बट आपकी ड्यूटी तो थी ना कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, इतनी सेंस तो आपको रखनी चाहिए कि आप समझ पाओ कि अच्छा यहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लोगों को टक्कर लग सकती है, लोगों को हार्म आ सकता है, लोगों को इंजरी हो सकती है, ये सेंस आप में होना चाहिए. दैट पॉइंट, दैट फोकल पॉइंट हैज टू बी देयर. तो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड एज फार एज टॉट गोस, कि आपने किसी अपनी आपके ऊपर ड्यूटी थी कुछ करने की, आपने वो ड्यूटी की नहीं एंड समबडी एल्स हैड टू सफर अ लॉस बिकॉज ऑफ दैट. सो व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल. से फॉर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, हाँ आपका रेस्टोरेंट है, आप जो है वेस्ट हमेशा अपने रेस्टोरेंट के पीछे ही डालते हो. अब उस वेस्ट से आने वाली स्मेल की वजह से वहाँ पे पास में जो रह रहा है घर में वो नहीं, दैट पर्सन इज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू यू नो स्टे देयर बिकॉज ऑफ ऑल द स्मेल. सो नाउ यू आर, इवन दो आपका यहाँ पे एक्ट जो है वो आपने कुछ गलत इंटेंशन के साथ नहीं किया, आप तो कचरा अपनी प्रॉपर्टी पे फेंक रहे हो, बट उसकी वजह से आपके किसी एक्ट की वजह से किसी को somebody is facing some issue, then that is also a kind of thought. So it arises from these two aspects, duty and right. या तो फिर आपने किसी का right encroach कर लिया, किसी का किसी चीज़ पे हक था and आपने वो उनसे छीन लिया, या फिर आपकी कोई society की तरफ, general society की तरफ कोई duty थी and आपने वो duty जो है वो fulfill नहीं की. These are the two things that you have to keep in mind to understand law of tort. It sort of serves as a balance between the rights and duties of society. अब criminal law में आप कुछ गलत करो तो आपको punishment दी जाती है. Contract law में आप contract breach करो तो आपको compensation देना पड़ता है. और इसी तरीके से tort में होता है unliquidated damages. अब ये unliquidated damages क्या होता है भैया? अब कुछ चीज़ें जो हैं, आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपके वजह से मुझे 5,000 का लॉस हुआ तो मुझे पता है मुझे 5,000 रुपये कंपनसेशन लेने हैं. यहाँ पे मैं आपकी रेस्टोरेंट में से आती हुई बदबू की वजह से मैं, या फिर आपके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रात को भी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा,
तो वहां पे भी तो आप मेरा कोई ना कोई राइट ही वायलेट कर रहे हो, आपका कोई एक्ट मुझे कोई डैमेज ही कर रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ज्यादा समझ ना, वेलकम टू सेशन, गुड मॉर्निंग बॉडी, आई एम नॉट बी एबल टू स्लीप इन दैट प्लेस बिकॉज ऑफ द एक्ट दैट यू आर डूइंग और द ड्रिलिंग एंड ऑल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन। सो देयर यू आर ब्रीचिंग योर ड्यूटी और यू आर बीइंग नेग्लिजेंट और यू आर एनक्रोचिंग अपॉन दैट माय राइट। अब ये मेरी नींद खराब हो रही है तो अब इसका तो मैं क्या ही आपको अमाउंट बताऊंगा, लाइक दैट तो डिपेंड्स ना, राइट, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो इन सच सिचुएशंस यहाँ पे कोर्ट पहले से डिसाइड नहीं करता है, कोर्ट सिचुएशन को देखता है, अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन, अंडरस्टैंड कि उस व्यक्ति को कितना डैमेज हुआ है इसकी वजह से, एंड रेमेडियल मेजर्स अलॉन्ग विथ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी उस टाइम डिसाइड होता है कि भाई डैमेजेस के तौर पर क्या दिया जाना चाहिए इस व्यक्ति को। These are the things you have to 100% know about law of thought. अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से examples के साथ and knowing and understanding it to the T, it will be really really useful, or it will be really useful as a basic knowledge to help you all grow. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है guys. Now, okay. I hope आप सबको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो, and if there's anybody who is not yet downloaded an academy app, I go live on an academy app on regular basis. There are a lot of special classes that I do. इसी तरह की plus classes भी होती हैं मेरी. So download the application. Links are given down below, and you can also use my code to get whenever you are subscribing. So there is a lot of free content, but once you subscribe, you will get access to all the, you know, content that Unacademy, various batches that they have, various question papers that they have, detailed analysis that they have, everything. You will have access to all of that. All you have to do is download the app. And if you want to unlock the free content or get subscription, you have to just use this code KushalLive, KushalLive. You will get 10% discount. Now, one good thing about subscribing is that right now 30% off is going on. On top of that, if you use my code of 10% extra, then you will get अराउंड 40% आपका ऑफर अमाउंट हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर क्लैट 2022 का बैच या 23 के लिए अगर आप ले रहे हो, एंड अगर आप तो ऑब्वियसली आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लोगे, तो अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 3 months का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा वहाँ पे मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द यू नो यू कैन 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो अपार्ट फ्रॉम द 12 months, अब उसके ऊपर भी 12 months में आपको ऑफर मिला हुआ है। सो ग्रेट टाइम, दिस वन टूडे इज द लास्ट डे, सो डेफिनेटली मेक यूज ऑफ दिस ऑफर गाइज, बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अरे बिल्कुल, आप यूपी बोर्ड से कोई से भी बोर्ड से हो, बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता मनीष, अगर आप प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो, आपको टाइम देने के लिए तैयार हो, एंड रेगुलर प्रिपरेशन आप डालने के लिए तैयार हो, तो आप भी क्लियर कर सकते हो। ऐसी कोई उसमें बोर्ड का कोई अड़चन नहीं है, ना ही आपको वहाँ पे एग्जाम लिखने से रोका जाएगा या नथिंग, लाइक यू कैन नॉट, यू कैन राइट द एग्जाम। एंड अगर आपका शक ये है कि सर क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा, डेफिनेटली आपको बस पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो हर एग्जाम के लिए हमें करना पड़ता है, अगर आप वो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। सो दीज आर दी थिंग्स अबाउट लॉ ऑफ थॉट गाइज, आई वुड लव टू सी ऑल ऑफ यू इन वन ऑफ माई प्लस क्लासेस और इन माई स्पेशल क्लासेस एज वेल। सो डू सब्सक्राइब टू द एप्लीकेशन, लिंक्स आर गिवन डाउन बिलो, कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है KushalLive, KushalLive, बड़ा सिंपल सा कोड है, याद रखना है, ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दूसरों के साथ, कूल। सो आई विल सी यू ऑल इन वन ऑफ माई क्लासेस, बाय बाय, टेक केयर।